तो दोस्तों आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि टीवी का प्रॉब्लम हमारा क्या था। ये एलसीडी टीवी हमारा 32 इंच का है। तो अब हम इस पार्ट में देखेंगे कि इसको हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह से खोलें। तो आप देख सकते हैं मैंने स्क्रू सारा इसका जो है खोल दिया है और बैक कवर को ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इत्तेफाक से कहीं ना कहीं ये अटक रहा है। और वो कहाँ पर हमारा फंस रहा है हमें ध्यानपूर्वक उसको देखना है, क्योंकि देखिए अब नीचे साइड से जो है हमारा कवर तो ऊपर हो गया, लेकिन ऊपर साइड से हमारा फंस रहा है। जहाँ से फंस रहा है वहाँ पे पहले आप स्क्रू को देखें कि अच्छी तरह से कहीं कोई स्क्रू तो नहीं है। अगर स्क्रू नहीं है तो फिर हेक्सा ब्लेड के माध्यम से या कोई स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से आप उसको हल्का सा अगर ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। पर किसी किसी मैकेनिक के पास ये होता है जानकारी कि अगर हम इसको खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। खींचने से जल्दी नहीं निकलता, इसमें लॉक होता है दोस्तों। दो चार जगह प्लास्टिक का कैबिनेट है तो इसमें लॉक दिया रहता है, जिस लॉक के माध्यम से ये फंसा हुआ रहता है। अब क्या है, अब इसको सबसे पहले अगला प्रोसेस ये करेंगे कि हम इसको क्लीन करेंगे अच्छी तरह से। ये इसको हम सफाई करेंगे, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ब्लोअर के माध्यम से मैं जब सफाई कर रहा हूँ तो इसमें क्या है जो कितना डस्ट लगा पड़ा है। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आता है दोस्तों, वो फ्रंट हमारा कैबिनेट का जो है फ्रेम, उसको ओपन करना है। तो फ्रंट फ्रेम को जो ओपन करने के लिए इसमें चारों तरफ से स्क्रू दिया हुआ है, उसको आप आसानी पूर्वक जो है खोल सकते हैं स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से। तो और जो हमारा एलसीडी पैनल सेट है, बैकलाइट और एलसीडी पैनल एक साथ सेट है, उसके लिए हमारा दो तीन जगह क्लैंप होता है, जो कि मैंने अभी एक जगह खोला है और दो जगह और उस उधर भी है। तो हमारा ये सभी स्क्रू को आसानी पूर्वक हम खोल लेते हैं और ध्यान से ये देखना है कि कहीं हमारा कोई कमी तो नहीं है, कहीं मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं कोई मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। जो स्टेप है हमारा, हर एक स्टेप को हमें अच्छी तरह से निभाना है। अब ये देखिए, ये हमारा जो है टेबल स्टैंड जो हम लगाते हैं, वो जो हमारा स्क्रू टाइट होता है टेबल स्टैंड में, वो वहाँ का ये क्लैंप है जहाँ पे मैं अभी खोल रहा हूँ। इस क्लैंप को भी खोल के आपको कोई ऐसे जगह पे, और हाँ जितने भी आप इसमें से कोई पार्ट खोलते हैं उसको आपको बहुत ही समझदारी से संभाल के रखना होगा। अभी ये हम इसका स्पीकर निकाल रहे हैं, स्पीकर का दोनों साइड जो है हमारा लॉक लगा हुआ रहता है और रबर का होता है दोस्तों, जिस रबर के लॉक के माध्यम से स्पीकर हमारा इसमें लगा हुआ रहता है। और इस स्पीकर को जो टाइट करके रखता है वो हमारा, जब बैक साइड का हम कैबिनेट लगाते हैं तो कवर लगाते हैं तो उस कवर के माध्यम से जो है वो हमारा दो दो स्क्रू दोनों स्पीकर को पकड़ के रखता है। तो अभी हम ये दोनों स्पीकर निकाल लिए और इसको भी संभाल के हमें अच्छी तरह से अच्छी जगह पे रख देना है। अब अगला स्टेप हमारा क्या है ये आपको अब मैं दिखाता हूँ। मैं इतनी बारीकी से इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसको जितना आप सतर्कता पूर्वक काम करो, जितना समझदारी से काम करो उतना ही अच्छा है। शॉर्टकट वीडियो देखने से आपको अच्छी तरह जानकारी नहीं हो पाता। अब ये हम IR सेंसर कीपैड बटन का जो हमारा सॉकेट है उसको हम ओपन कर रहे हैं, जो मदरबोर्ड से हमारा कनेक्ट है। तो इसको हम ओपन करके, और क्योंकि ओपन करने का रीज़न ये है, IR सेंसर और कीपैड बटन हम खोल करके अलग भी कर सकते हैं, लेकिन हम अलग अभी देखा है मैंने, जो इसको खोलने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि फ्रंट साइड का जो है हमारा फ्रेम जो है उसी में ये IR सेंसर और कीपैड दोनों हमारा सेट है। अगर मैं स्क्रू खोल करके और IR सेंसर और कीपैड बटन निकाल देता हूँ तो बाद में हमें उससे कोई फ़ायदा है नहीं, ये एक अलग अलग टुकड़ा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है जो फ्रंट में लगा पड़ा है, फ्रंट कैबिनेट फ्रेम में लगा पड़ा है, तो उसको हम लगा ही रहने देते हैं। हमें बस ये है कि इसका LCD पैनल ओपन हो जाए, और हमें ज़रूरत भी बस इतना ही है। अब ये देखिए, ये हमारा दोनों साइड से लेफ्ट से राइट से तीन लॉक लगा हुआ था। अब हमें LCD निकालने के लिए कुछ और प्रोसेस निभाना होगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसको आगे की दिशा से ऊपर कर दिया और पीछे का साइड का अभी हमें काम नहीं है। पहले हमें आगे साइड में ये देखने को मिला है कि चारों तरफ कुछ स्क्रू है, इस स्क्रू को हमें ओपन करना होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है हम अगले वीडियो में दिखाते हैं, अगला पार्ट में दिखाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।